हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपल्स एजुकेशन में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये लास्ट लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का। इसमें हम पढ़ेंगे क्या सब, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उनका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन आई के बारे में डिटेल स्टडी किया था, आपको देखना चाहिए अगर आप नहीं देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या है, कि ये बस ये भी कुछ नहीं, बस जैसे हमको कोई वस्तु को देखना है, कोई छोटी वस्तु को देखना है, कोई बहुत दूर खड़ी वस्तु को देखना है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, या सबसे छोटी वस्तु जैसे बैक्टीरिया वगैरह सब हो गया, उसे देखने के लिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाता है और टेलीस्कोप आ जाता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हिंदी में हम सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, ठीक है। तो होता है क्या सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग मैग्निफाइड इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कब करते हैं, जब एक बहुत छोटी से छोटी चीज को हम देखना चाहते हैं, जब हम एक छोटी सी चीज को देखना चाहते हैं बहुत छोटी, जैसे बैक्टीरिया वगैरह सबको, तब क्या माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप घड़ी की दुकान पर जाते होंगे, तो घड़ी की दुकान पर जो छोटे छोटे घड़ी का पार्ट होता है, छोटे छोटे घड़ी का पार्ट होता है, उसे जो घड़ी मैग्नेट्स होते हैं, वॉच मैग्नेट्स, वो छोटे छोटे पार्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप पर देख के लगाते हैं ना, ठीक है। और इसमें होता है क्या, इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। और क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस का होता है, मतलब एक उत्तल लेंस का बना होता है, और इसका जो फोकस लेंथ है छोटा होता है, फोकस लेंथ कम होगा इसका मतलब ये वो इसका लेंस का जो आकार होगा वो छोटा होगा, ठीक है। अब होता है क्या इन दिस माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप में होता है क्या, इस माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है, जैसे इमेज बनने का मतलब है कि अगर इस माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या, एक टीनी ऑब्जेक्ट, मतलब एक छोटा ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड बनता है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट मतलब क्या, मतलब वो आभासी बनता है और सीधा बनता है, तो उसका हम रे डायग्राम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास इनमें से किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, ठीक है। अब इनका हम रे डायग्राम देख लेते हैं, इनका रे डायग्राम देख लेते हैं हम, क्या कि एक कॉन्वेक्स लेंस लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस कहाँ लगा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में लगा होता है। तो हम क्या किए, सिंपल माइक्रोस्कोप ले लिए और उसके सामने, किसके सामने, सिंपल माइक्रोस्कोप के लेंस के सामने, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम हम ए और बी दे देते हैं। वो ऑब्जेक्ट हम रखते कहाँ है, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर। तो हमने रे डायग्राम में देख लिया था कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखते हैं तो उसका इमेज उसी ओर बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रहता है, और कैसा बनता है, इमेज रेडी बनता है और इस वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। देख लीजिए रे डायग्राम में, आप अगर याद नहीं हो तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बनता है, उससे इनलार्ज बनता है। तो अगर ए बी है तो उसका इमेज क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश क्या बना, आभासी बना, सीधा बन गया ना, सीधा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, और बाकी बात देख लेगा, हम यहाँ से देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, उसका इमेज क्या बनता है, एडेस पीडेस बनता है। क्यों बना, क्योंकि वो फोकस के अंदर रखा है, कर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज क्या बना यहाँ। ट्रे डायग्राम कैसे आया, कैसे आया ये हम बता चुके हैं, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ के हम डिस्टेंस क्या मान लिए, यू, यू माना जाता है, स्टैंडर्ड है। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से, कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। और ये क्या है, वी, वी क्या है, वी क्या, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, इस लेंस से इमेज का डिस्टेंस। अब इसको हम डी क्यों दे दिए, डी भी नाम लिखिए। अब इसका डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है आगे जितने भी हम पढ़ेंगे
माइक्रोस्कोप स्कोप के बारे में, सब में हम यहाँ डी का प्रयोग बहुत ज़्यादा करेंगे। डी होता क्या है? डी होता है कि हम लेंस को इस तरह से सेट करते हैं कि उसका उसका जो इमेज बनता है वो डी पे बनता है। डी पे बनने का मतलब उसका जो प्रतिबिंब बनता है, हम अब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना चाहते हैं तो हम इस तरह लेंस को सेट करेंगे ताकि उसका इमेज हमको साफ साफ क्लियरली देखें। ठीक है, तो क्लियरली देखने के लिए एक ह्यूमन आई, एक मानव नेत्र में अगर हमको कोई चीज़ मिनिमम डिस्टेंस पे और क्लियर देखना है तो कितना डिस्टेंस लेना होगा? मिनिमम 25 सेंटीमीटर। तो डी कितना? 25 सेंटीमीटर। तो ये इमेज हमको क्लियरली देखना है तो कितना डिस्टेंस बनना चाहिए? तो हम उस तरह से लेंस को फिक्स कर लेते हैं और ये इमेज 25 सेंटीमीटर बन जाता है। यहाँ पे एक नोट में डाले हैं कि स्पष्ट प्रतिबिंब की दूरी जो बराबर होता है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी के बराबर। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। और स्पष्ट प्रतिबिंब की दूरी, हमको स्पष्ट प्रतिबिंब देखना है तो कितना दूरी बनना चाहिए? डी पे। डी कितना हो? 25 सेंटीमीटर पे हमको बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आता है मैग्नीफाइंग पावर। क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर, या इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, दोनों नाम है इसका। तो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और हिंदी वाले के लिए आवर्धन क्षमता, ये सबसे ज़्यादा आवर्धन क्षमता बोला जाता है, या कोणीय आवर्धन। ठीक है, तो आपको दोनों माइंड में रखना है। आवर्धन क्षमता सबसे ज़्यादा यूज होता है, कोणीय आवर्धन कम होता है। तो आवर्धन क्षमता और कोणीय आवर्धन दोनों होते हैं। तो अब होता क्या आवर्धन क्षमता, होता क्या है आवर्धन क्षमता? ये कुछ होता नहीं है, बस ये क्या होता है, रेशियो होता है। किसके? एंगल का रेशियो होता है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर एंगल कौन सा आ गया, तो ये क्या होता है, एंगल का रेशियो होता है। किसके एंगल का रेशियो? ये एंगल का रेशियो होता है जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जब हम अब माइक्रोस्कोप से बाहर तो हम देखेंगे आँख से, जब हम आँख से देखते हैं तो कुछ एंगल बनता है। तो किसके साथ बनता है? इमेज के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ। तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ क्या बनता है? एक एंगल बनता है। यहाँ देखिए, मगर ये हम आँख से देख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाते हैं और इस इमेज के साथ भी हम एंगल बनाते हैं। तो इस इमेज के साथ अगर हम एंगल बनाते हैं तो कितना बना है? हम बीटा एंगल बनाते हैं। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाते हैं तो अल्फा एंगल बनाते हैं। अब तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो एंगल इधर कैसे बन गया? अगर एंगल इधर बनेगा तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ होना चाहिए। तो ये सब जितना भी अभी रे डायग्राम सब बना है और आगे जितना भी कंपाउंड में बनाएंगे, टेलीस्कोप में बनाएंगे, सब जो होता है बहुत छोटे साइज में होता है। मतलब बहुत छोटे साइज करेंगे, मतलब ये सब का एंगल जो है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। अगर जैसे अगर एक लाइन हो गया ना तो इसी के आसपास एकदम पतला, मतलब बहुत छोटा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस एंगल को समझाने के लिए इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी बात अगर एक ही एंगल के लिए अगर एक लाइन है तो दूसरा एंगल इसके ऐसे करीब होता है तो उतना हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम समझने के लिए अलग अलग लिख दिए। आई ए बी है क्या? ऑब्जेक्ट का हाइट है। हम इसको क्या किए, थोड़ा सा यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिए, ए डैश बी वन इसको यहाँ कंसिडर कर लिए और इसका एंगल अल्फा मान लिए। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, ये एंगल का रेशियो होता है। कौन से एंगल? बीटा क्या है? ये एंगल है जब हम ऑब्जेक्ट इमेज को देखते हैं, जब हम इमेज को देखते हैं अपने आँख से, जब हम ऑब्जेक्ट इमेज को देखते हैं तब जो एंगल बनता है अपने आँख से, जब हम इमेज को देखते हैं तब जो एंगल बनता है आँख से, जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बीटा। और जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब जो एंगल बनता है अल्फा। ये क्या है? एंगल का रेशियो है। किसका एंगल का? इमेज का और ऑब्जेक्ट का एंगल का रेशियो। तो हम पहले बोल चुके जितना भी होता है सब क्या होता है, स्मॉल एंगल के लिए हो रहा है। अब स्मॉल एंगल के लिए हम पीछे भी बोल चुके, अभी भी बोल रहे हैं, स्मॉल एंगल के लिए थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा अप्रोक्सीमेट एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये है क्या, बीटा और अल्फा ये दोनों क्या एंगल है। तो हम मैग्नीफाइंग पावर को हम लिख सकते हैं बीटा जो टेन बीटा, तो थीटा जो टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर थीटा है तो टेन बीटा भी लिख सकते हैं, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा लिख लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन हम टू मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ ट्रिगोमेट्री का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का यूज करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ये ट्रायंगल हम देखते हैं, ये ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल देखते हैं तो टेन बीटा क्या होगा, तो यहाँ से टेन बीटा लिख लेते हैं। टेन बीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। तो ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है? ए सी। ए सी लिख दिए, ये टेन बीटा निकल गया। अब टेन अल्फा देख लेते हैं, टेन अल्फा क्या होगा बताइए?
जब आप खुद से बोली टेन अल्फा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये अगर ट्रैंगल देखते लिखते हैं, ये ट्रैंगल इसे परपेंडिकुलर क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो क्या नाम है ए डैश बी वन अपॉन बेस। बेस क्या है, ए डैश सी, ए डैश सी, ठीक है। यहाँ आ गया ए डैश सी, हम यहाँ टेन टेन बीटा टेन अल्फा दोनों निकाल लिए। अब हम करेंगे क्या, इस दोनों ट्रायंगल से हम तो टेन अल्फा टेन बीटा निकाल लिए, हम क्या करेंगे दोनों का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन वन में। तो हम क्या आता है दोनों का वैल्यू कहाँ, इक्वेशन टू में पुट कर देते हैं। ठीक, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, इसको लिख देते हैं जैसे मैग्नीफाइंग पावर, इसको लिख क्या होगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो टेन बीटा का वैल्यू हमको पता है, टेन अल्फा का वैल्यू पता है, दोनों को रख देंगे। ठीक, तो यहाँ ए बी और ए डैश बी वन कैंसिल होगा, क्यों देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ए बी। अब ऑब्जेक्ट के पैरेलल ही हम लिए ना, उसी का हाइट में लिए, किसको मान ए डैश बी वन। तो हम देखिए ए बी और ए डैश बी वन दोनों तो इक्वली साइज का है, दोनों तो एक ही है ना, इसको हम समझने के लिए इसको हम डॉट डॉट करके पीछे ले लेते हैं। ठीक है, दोनों है क्या एक ही हाइट का है, ठीक एक ही साइज का है, तो हम दोनों को इक्वल मान ली, तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या है ए डैश सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब ए डैश सी क्या है और ए सी क्या है, इसको हम देखते हैं। ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश और सी, ए डैश क्या है सी, ये क्या है इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है। अब साइन के साथ लेंगे तो क्या होगा माइनस या प्लस, अगर ये ओरिजिन मान लेते हैं तो ओरिजिन से हम इधर जा रहे हैं, तो निगेटिव डायरेक्शन, तो क्या होगा माइनस बी, हम क्या लेंगे माइनस बी। और उसी तरह ए सी, ए सी भी क्या ए सी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ए सी, ये कहाँ जा रहा है ओरिजिन से, अगर इधर जा रहे हैं तो क्या माइनस तरफ जा रहे हैं, तो क्या लेंगे माइनस माइनस यू, तो क्या होगा माइनस बी अपॉन माइनस यू, तो क्या होगा बी अपॉन यू। तो यहाँ से हम क्या निकल गया मैग्नीफाइंग पावर बी अपॉन यू निकल गया। ठीक है, अब हम इसको मैग्नीफाइंग पावर को हम मैग्नीफाइंग पावर को हम डिनोट करते हैं एम। अब हम लिखे डी बटे यू, डी बाई यू, अब क्यों लिखे डी बाई यू वो देखते हैं। अब ये दोनों को कंपेयर कीजिए, तो एम पी यहाँ क्या लिखे मैग्नीफाइंग पावर वी अपॉन यू, अब यहाँ लिखते हैं डी अपॉन यू, तो क्या अंतर है, तो यहाँ वी और यहाँ डी आ गया, तो यू तो सेम ही है। तो हम यहाँ देखेंगे इमेज जो मेरा फॉर्मेशन होता है, हम यहाँ बता सकते हैं बी और डी दोनों लिख सकते हैं, तो इमेज जो मेरा फॉर्मेशन होगा वो डी पे होगा, डी पे होगा मतलब उसको हम देख सकते हैं स्पष्ट, स्पष्ट देख सकते हैं, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं डी पे बन जाते हैं, इमेज क्या बनता है डी पे, इमेज बन जाता है। तो क्या करिए यू की जगह डी लिख, सॉरी वी की जगह क्या लिख दिए डी लिख दिए, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन गया डी अपॉन यू, और यहाँ गया वी अपॉन यू, और वी की जगह क्या डालिए डी, क्योंकि वी और डी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इमेज वही बनेगा जहाँ आपको स्पष्ट दिखा देगा, स्पष्ट दिखा कहाँ देगा 25 सेंटीमीटर पे, 25 मीटर किससे डिनोट करते हैं डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट कर दिए, तो डी अपॉन यू हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करिए यहाँ तक हम कैप्चर कर लिए, अब हम क्या करते हैं यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला का। तो लेंस फॉर्मूला सबको याद है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसमें, इस फॉर्मूला में हम वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं किधर दोनों साइड, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी अपॉन वी वन, तो वन हो गया, माइनस माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू वी अपॉन एफ। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया 1 - v / u = v / f, अब वी अपॉन एफ क्या निकल गया हमको वी अपॉन एफ। अब हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन तीन का यूज करते हैं। क्या करते हैं इक्वेशन तीन का यूज करते हैं। अब इक्वेशन तीन से हम क्या लिखिए कि 1 - v/u क्या लिख दिए m इक्वल टू वी बाई एम। क्या देखिए मैग्नीफाइंग पावर क्या आया वी अपॉन यू आया, तो वही वी अपॉन यू जगह क्या लिख दिया m, तो 1 - m = v / f, या m को यहाँ रखिए बाकी बात को एक्सचेंज करते एक साइड लेके, तो क्या होगा m इक्वल टू 1 - v / f। ठीक है, अब हम क्या करते हैं v को हम लिख सकते हैं d, क्यों, तो क्योंकि मेरा इमेज अभी बोले थे कि इमेज कहाँ बनना है डी पे बनना है, डी पे बनना है। तो अब साइन के साथ लिखेंगे ना, तो साइन के साथ यहाँ इतना दूर डिस्टेंस क्या है भी, भी या माइनस भी तो माइनस भी, तो अगर डी लिखेंगे तो डी या माइनस डी तो माइनस डी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ओरिजिन सब इधर जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो क्या होगा माइनस डी, तो क्या होगा भी, भी जगह डालेंगे माइनस डी डाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला निकल के एम इक्वल टू 1 + d / f, ये निकल गया हमको मैग्नीफाइंग फॉर्मूला किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का, ये सब याद करने का चीज़ है। बोर्ड में डेरिवेशन पूछेगा अगर आप जी एक तरीका है, तो उसका फॉर्मूला याद करना है और आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो हम क्या याद करेंगे मैग्नीफाइंग पावर किसका किसका होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का 1 + d / f होता है। ठीक है, अब इसमें एक केस बन जाता है, वो केस है देख लीजिए, फिर हम दिखाई देते हैं। इसमें बोलता है क्या कि ऑब्जेक्ट को हम
उसी केस में ये सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं ताकि इमेज रिफ्लेक्टिव बने, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो वस्तु को कहाँ रखेंगे कि इमेज मेरा इन्फिनिटिव बने, तो वही बोलता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि इमेज मेरा इन्फिनिटिव बने। तो सब जानते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटिव बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या किए कि हमको कहाँ चाहिए इमेज, हमको इन्फिनिटिव चाहिए, इमेज हमको इन्फिनिटिव चाहिए। और हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को किसी एक कहीं रखे हैं उसको हम डिस्टेंस क्या मानते हैं, यू माने। तो चूंकि यू जो होगा वो इस तरह होगा तो हम इसको माइनस यू मान लेते हैं, माइनस यू मान लेते हैं। अब ये दोनों को कहाँ यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला में। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो वन अपॉन वी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, माइनस वन अपॉन यू जगह माइनस वन, तो माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अब डी से मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ डी क्या है, डी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। हम कभी कभी स्मॉल और कैपिटल दोनों लिख देते हैं, पर आप स्मॉल डी कंसिडर कीजिएगा, स्मॉल डी लिखा जाता है। तो क्या हुआ, डी 25 सेंटीमीटर माना जाता है, तो हम क्या करते हैं, डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या दोनों साइड। तो क्या हुआ, डी अपॉन यू इक्वल टू डी अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक। और डी अपॉन यू तो हम क्या एमपी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन यू क्या लिख सकते हैं, एमपी मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू डी अपॉन एफ। अब इसका यूज कहाँ है, या खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस गरीब और एक दुकान में होता है और प्रैक्टिकल लैब सब में होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप खत्म हुआ। अब आते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें क्या होता है, देख रहे फिगर ही देख पा रहे, इसमें दो लेंस का यूज करते हैं। एक क्या होता है, एक छोटा लेंस होता है, एक लेंस बड़ा होता है। इसको अगर अच्छे से बोले तो जो फर्स्ट लेंस होता है, लेंस जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, उसका फोकस लेंस छोटा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड लेंस जिसको हम आई लेंस कहते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है, इसका यूज होता है कि हम बहुत छोटे वस्तु देखने में यूज करते हैं, ठीक। इसका भी यूज क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे वस्तु को देखने में हम इसका यूज करते हैं। क्या होता है, टू लुक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कितनी छोटी पार्टिकल को हम देखने में इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे इमेज को देखने में, ऑब्जेक्ट को देखने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें होता है क्या है, अब कैसे बनता है इसको हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दो लेंस लेते हैं, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस, हम दो उत्तल लेंस लेते हैं, ठीक है। दोनों का फोकल लेंथ डिफरेंट लेते हैं। जो फर्स्ट वाले का फोकल लेंथ है उसको छोटा लेते हैं, और सेकंड वाले का फोकल लेंथ हम बड़ा लेते हैं। फोकल लेंथ छोटा बड़ा करें मतलब एक छोटा लेंस लेते हैं, एक बड़ा लेंस लेते हैं, मतलब जो आई लेंस होता है जिधर से हम देखते हैं उधर का लेंस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा रहता है। इसमें अब क्या होता है, रे डायग्राम हम समझाते हैं आपको। हम सबसे पहले क्या किए कि इस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सामने में एक वस्तु रखें, वस्तु रखे कौन सा, ए और बी, हमें वस्तु रखे कहाँ रखे वस्तु, इसके एफ और टू एफ के बीच, इसको हम यहाँ डिनोट करके टू एफ ओ लिखते हैं। ओ क्यों लिखे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है, समझने में आसानी होगा, ठीक है। हम क्या किए, टू एफ और एफ ओ के बीच हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक। ए बी हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट रख दिए। अब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रे डायग्राम ड्रॉ किए, एक रे क्या होता है, इसके पैरेलल आता है, किसके पैरेलल, इस लेंस के, ऑब्जेक्टिव लेंस के पैरेलल लिए। पैरेलल लिए तो टकरा कहाँ जाएगी, अगर कोई भी पैरेलल ले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले, अगर कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है तो क्या होगी, फोकस से होके जाती है, तो टकराई कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज क्या होगी, फोकस से होके जा रही, ठीक है। देखिए आई टकराई और फोकस से होकर अपना जा रही है, ठीक है। दूसरा रे कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे पास करता है तो वो बिना डिफ्लेक्ट किए स्ट्रेट जाती है, तो जैसे ही पास करवाया तो डिफ्लेक्ट हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, सीधा अपना बढ़ते चला गया। तो ये दोनों जहाँ कट किया तो वहाँ क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देख रहे हैं कि ये रे और ये रे इस पॉइंट पे हमको कटा, मतलब इसका मतलब यहाँ इमेज क्या बनेगा, हमको यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ ये क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु क्या बन रहा है, इमेज इरेक्ट बन रहा है, इरेक्ट मतलब क्या, उल्टा बन रहा है, और क्या, मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है, ठीक है, रियल इमेज बन रहा है। क्यों, क्योंकि एक देख रहे हैं, अगर ए बी इधर है तो उसका उल्टा बन रहा है, ए डैस बी डैस क्या बन रहा है, उसका इमेज, मतलब क्या, ठीक है, रियल इमेज मेरा बन रहा है, ठीक। ऐसे में उस नोटेशन दे दिए, यू ओ, वो क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का, यू ओ दे दिए, ये फोकस लेंथ है, तो एफ ओ डिनोट कर दिए,
और कुछ यहाँ इमेज बना यहाँ पे, तो यहाँ वीओ से ब्लेंड कर दिया, ठीक है। वो क्यों लगा रहा, क्योंकि इस लेंस का अभी तक काम अभी काम हुआ है, इस लेंस का काम अभी नहीं हुआ है, ठीक। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम सेकेंड लेंस पे। अब जब हम इमेज बन गया यहाँ, तो अब ये इमेज जो है, इमेज कौन सा, ए डैश बी डैश जो इमेज बना है, ये इमेज इस लेंस के लिए, कौन सा लेंस, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। फिर से सुनिए क्या हुआ, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनाया। अब ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो हम पहले भी दिखा चुके हैं कि अगर कोई लेंस हो ठीक है ये उसका फोकस है, ठीक है। अगर उसके फोकस के अंदर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसका इमेज क्या बनेगा, उसी के तरफ बनेगा। कैसा बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, और कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक। और साइज क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो रे डायग्राम हम इसको पहले दिखा चुके हैं, ठीक है। तो उसी तरह क्या बना, यहाँ उल्टा बनाया, तो यहाँ पे बनाया कहाँ, उसके फोकस के अंदर, किसके फोकस के अंदर, लेंस के फोकस के अंदर बनाया, ठीक है। तो क्या बना, ए डैश बी डैश, अब इसके तरह क्या, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब ए डैश बी डैश का इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश का इमेज रे डायग्राम से हमको यहाँ बनते हुए दिख रहा है, कहाँ, यहाँ ए डैश बी डैश पे क्या बन रहा, उसका इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है। कैसा, सीधा या उल्टा, सीधा उसका इमेज बन रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ नोटेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या, ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ डिस्टेंस को यू ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इमेज है, किसका इमेज है, इसके लिए, इसके लिए क्या है, ये इमेज है, ठीक है। इसके लिए क्या है, इमेज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक डिस्टेंस को भी ई लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, भी ई या डी। फिर हम डी क्यों लिखें, क्योंकि हमको इमेज जो है वहाँ चाहिए जहाँ हमको साफ साफ दिखाई दे सके। अब साफ साफ किसी भी जो मनुष्य होता है, जिसे नेचुरल ह्यूमनाइज होता है, वो साफ साफ कब देख सकता है, कितनी मिनिमम डिस्टेंस पे रखे कि हमको साफ साफ दिखाई दे, तो कहाँ, डी पे रखते हैं। डी क्या, 25 सेंटीमीटर पर रखो तो हमको साफ साफ दिखाई देगा। तो हमको इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है। अब उसको हम डी से डोट करते हैं, हम इसको मान के चलते हैं कि इमेज मेरा क्लियर है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या मान दो इसको डी, जिसको हम वी ई भी बोल सकते हैं, उसको हम डी मान लिए, ठीक है। यहाँ हो गया, सब कुछ हो गया, और इसमें कुछ बताना नहीं है, नहीं, ठीक है। अब हम कुछ नोटेशन देख लेते हैं। ये एफ ओ समझ गए, जब रे आया पैरेलल तो कन्वर्ज होकर फोकस से जाता है, ठीक है। एफ ई मतलब इस लेंस के फोकस के अंदर इमेज बनता है, इसलिए एफ ई अंदर बनता है। अब आते हैं एंगल, सबसे इम्पोर्टेंट एंगल, ठीक है। तो एंगल का, एंगल पे आने से पहले हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, वो भी क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा से हम उसको डिनोट करते हैं, क्या, बीटा अपॉन अल्फा। और बीटा और अल्फा है क्या, बीटा जो है वो भी क्या, एंगल है, और अल्फा क्या है, वो भी एंगल है, पर किसका किसका एंगल है, ये बीटा जो है ये एंगल किसका है, जब हम क्या किए, जब हम इमेज देखते हैं, इमेज किसका, जब लास्ट इमेज हम देखते हैं आँख से, तो आँख से हम देखते हैं तो उनको क्या, लास्ट इमेज ही दिखाई देगा ना। तो हम जब लास्ट इमेज को देखते हैं, कौन सा इमेज देखते हैं, ये इमेज को देखते हैं, ठीक है। हम कौन सा इमेज देखते हैं, ये इमेज को देखते हैं, ये वाला इमेज को। तो अल्फा बीटा क्या है, बीटा क्या है, एंगल है, किसके एंगल है, आँख और ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, जो लास्ट इमेज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसके बीच का एंगल क्या है, बीटा है, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा भी क्या, एंगल है। तो अब ये किसका है, इमेज है, तो किसके ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल होगा, हम इसको अल्फा मान लिए, ठीक है। अब आपको दिक्कत होता होगा कि सर ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, ऑब्जेक्ट तो ये भी है, पर ये जो अल्फा होता है एंगल, ये मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, मेन ऑब्जेक्ट ए बी, उसके बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो हम क्या किए, ये सब कितना हो रहा है, पहले हम बोल दिए, ये सब क्या, स्मॉल एंगल पे हो रहा है, स्मॉल एंगल पे हो रहा है, इसका मतलब, स्मॉल एंगल का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, क्या होता है, बहुत छोटा रेड, यहाँ तो रेड डायग्राम बराबर दिख रहा है कि यहाँ इतना मोटा होता नहीं है, एक्चुअली बहुत छोटा। अगर मान लीजिए अगर एक लाइन है, पहले बुझ गए, उसके पतला लाइन एकदम छोटा, उतना छोटा भी हम उसको कंसिडर नहीं करते, मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी को हम यहाँ मान लेते हैं, जिससे हम अल्फा इसको यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा, ठीक। तो बेसिकली हमको समझना है क्या, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, क्या होता है, बीटा अपन अल्फा, बीटा अपन अल्फा क्या होता है, एंगल का रेशियो होता है। बीटा क्या होता है, ये क्या, एंगल होता है, किसका एंगल होता है, जब हम क्या करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जब इमेज देखते हैं, लास्ट इमेज देखते हैं, उसके और आँख के बीच बना हुआ एंगल। और अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बीच, ऑब्जेक्ट और आई के बीच बना हुआ एंगल, ठीक है।
लिख दिए यहाँ तक। अब वही सेम जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में किए, स्मॉल एंगल पे थीटा टेन थीटा सेंटर बराबर होता है, तो एम इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा कर दिए। अब टेन बीटा यहाँ से निकाल लिए, टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। हम कौन ट्रायंगल लिए, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ए डैश बी डैश सी और सी टू, ये ट्रायंगल जो ले रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक। इसमें टेन बीटा क्या, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है, परपेंडिकुलर, और बेस, बेस क्या, ए डैश सी टू, सी कुछ इस तरह से बना हुआ ना, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायंगल कुछ बना हुआ है, दिखाने कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ कुछ इस तरह दिया, ए डबल डैश सी टू और बी डबल डैश, ये ट्रायंगल बना हुआ है बीटा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेन बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस, तो ए डबल डैश सी टू, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, सेकेंड लेंस का। तो हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे हम क्या लिखें, टेन बीटा चल लीजिए ए ए डबल डैश अपॉन ए डैश सी टू, उसी तरह हम क्या करें, टेन अल्फा के लिए निकाल दिए, टेन अल्फा कहाँ है, टेन अल्फा ये, टेन अल्फा ये एंगल क्या होगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से बना हुआ है, इसको अल्फा दिया हुआ है और इसको क्या दिया हुआ है, ए डबल डैश सी टू और पी, तो टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा जो होगा परपेंडिकुलर पी ए डबल डैश अपॉन बेस, तो ए डबल डैश सी टू, ठीक है। तो हम इसको क्या, ए डबल डैश पी ए डबल डैश पी ए पी ए डबल डैश जो होगा किसके पैरेलल है, किसके साथ इक्वल, ए बी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी अपॉन ए डबल डैश सी टू लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू टेन बीटा और टेन अल्फा का वैल्यू कहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, टेन बीटा और टेन अल्फा का वैल्यू डाल दिए, ठीक है। ये छोटा एम बड़ा हम थोड़ा लिख देते हैं, पर समझिए क्या मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है, एम पी लिखिएगा आप, ठीक है, छोटा एम से भी नोट किया जा सकता है, करता ही नोट, ठीक है। तो हम डाल देते हैं, तो कैंसिलेशन करके हमको क्या निकलता है, ये निकलता है एम पी इक्वल टू ए डबल डैश क्या होगी, कहाँ गया, क्या होता है, निकलता है ए डबल डैश बी, तो ए डबल डैश बी मतलब ये जो लास्ट इमेज है ये निकलता है, और पी ए डबल डैश, पी ए डबल डैश क्या होता है, इधर पी ए डबल डैश मतलब हमको क्या निकलता है, ए डबल डैश बी जो लास्ट इमेज है अपन पी ए डबल, ये हमको निकलता है, क्या इसको क्या मानते हैं, क्वेश्चन फोर मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन फोर है उसमें हम क्या करते हैं, ए डैश बी डैश दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर कैंसिल आउट वन हो गया तो फिर कोई फर्क नहीं, क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस हमको कुछ कुछ फॉर्म करना है, कुछ हमको फॉर्म करना है, इसीलिए हम क्या किए, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, मल्टीप्लाई किए, तो ए डबल डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश एक यहाँ लिया है और उसके बाद ए बी को हम इसके नीचे दिया है, इसको क्या मान लीजिए, क्वेश्चन फाइव मान लेते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए डैश बी डैश अपन ए बी क्या है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, देख लीजिए यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज है, ठीक है, और ए बी क्या है, ए बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, किसके लिए हम इस लेंस का बात करें, इस लेंस के लिए एमओ के लिए बात कर रहे हैं कि ए डैश बी डैश क्या इमेज है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी, ठीक है, ठीक है। उसी तरह क्या ए डबल डैश और ए डैश बी डैश क्या होता है, एम ई के लिए, सिंगल लेंस आई लेंस के लिए, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एम पी इज इक्वल टू ए डबल डैश अपॉन बी डैश, क्या लिख सकते हैं, एम ई लिख सकते हैं, एम ई लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एम ओ लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखकर के एम पी इज इक्वल टू एम ई मल्टीप्लाई एम ओ, यहाँ से लिख एम पी इक्वल टू एम ई मल्टीप्लाई एम ओ, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं और हम लेंस में पढ़ चुके हैं, लेंस में, लेंस का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, किसी भी लेंस का मैग्नीफाइंग पावर किस तरह लिखते हैं, एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ या वी अपॉन यू। अब वही अगर मिरर का बात करें, ये किसके लिए, लेंस का बात करते हैं, अब मिरर के लिए क्या होता है, मस्क माइनस लगा दो मैस एच आई अपन एच ओ और माइनस बी अपॉन यू, ठीक है। तो ये किसके लेंस का जो मैग्नीफाइंग पावर इस तरह से निकाला जाता है, तो हम क्या निकाला तो एम ओ क्या हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यहाँ पर लिखा हुआ है एम ओ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए बी लिख दिए, इसको हम क्या वी नोट अपॉन माइनस यू नोट लिख दिए, क्यों लिखे अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं लेंस के लिए क्या होता है, वी अपॉन यू होता है, वी, अब एम ओ के लिए, एम ओ के लिए, एम ओ, एम ओ क्या हो गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, एम ओ के लिए जो क्या होता है वी, ठीक है, वी, वी कौन सा है, वी तो ये डिस्टेंस है वी ओ, तो क्या वी ओ, वी ओ लिख दिए, ठीक है। अब लेंस के लिए क्या था, नीचे में यू होता है, अब यू, अब इस लेंस के लिए यू क्या है, यू तो मेरा ये है, यू का क्या नाम है, क्या नाम है, यू नोट है, यू नोट, यू नोट लिख दिए। अब साइन के साथ लिखेंगे ना, विद साइन लिखेंगे, तो साइन से क्या हो गया, इसको क्या मान, सेंटर मान लेते हैं, तो इधर जा रहे हैं किधर, राइट हैंड साइड जा रहे हैं, क्या होगा, नेगेटिव साइड जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस
यू नॉट लिख दिया, यू वो लिख दिए, ठीक है, इसको सिक्स मान लिए। सेम उसी तरह हम कर लिए एम ई के लिए, आई के लिए तो उस तरह भी कर लिए। इसमें देख लीजिए एम ई के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये किधर है, ये जो इमेज का हाइट है या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लिखे हैं यहाँ पे, इसको हम वी अपॉन यू के फॉर्म लिखेंगे। अब इसके लिए वी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, वी वी होगा, वी ई लिखेंगे, वी ई लिखेंगे तो यहाँ वी ई लिखेंगे। अब साइन के साथ लिखेंगे, अब किधर है, अगर इसको ओरिजिन मान देते इस साइड है तो माइनस लगाएंगे, और उसके ऑब्जेक्ट भी इधर है तो माइनस लगाएंगे, तो वी ई अपॉन यू ई हो गया। इसको हम इक्वेशन सेवन मान लेते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं फॉर क्लियर विजन तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, डी 25 सेंटीमीटर, मतलब फॉर क्लियर विजन मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वी ई है इसका डिस्टेंस कितना हो जाए 25 सेंटीमीटर, मतलब डी के इक्वल होगा। हमको ये लास्ट इमेज तो ये देखना है ना, ये हमको तब कहाँ दिखाई देगा जब हम कम से कम मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर रखेंगे, तो हमको क्या होगा क्लियर इमेज दिखाई देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू डी, यहाँ से वी ई इक्वल टू डी, तो वी इक्वल टू डी डाल देंगे, कहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो एम ई इक्वल टू क्या है वी ई अपन यू ई इक्वल टू वी की जगह क्या डाल देंगे डी, यहाँ से डाल देंगे डी अपन यू ई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, फिर से सिंपल वे से किए थे ना, सेम वही प्रोसेस है, बस कॉपी कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, किसके लिए यूज किए आई लेंस के लिए, तो 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब 1 अपॉन वी ई तो हम वी ई क्या लिख सकते हैं माइनस डी, माइनस डी क्यों, अगर आई लेंस के बात किया, आई लेंस के बात किया, आई लेंस के लिए वी ई किधर इधर, ओरिजिन से अगर देखें तो लेफ्ट साइड है, तो माइनस के साथ लिखेंगे माइनस डी, और उसी तरह सेम उसी तरह लिख दिए 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन एफ, फिर इसको सॉल्व किए उसके बाद क्या लिखे, सॉल्व किए उसके बाद यहाँ तक आगे क्लियर। अब हम क्या किए, अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन क्या किए डी से मल्टीप्लाई किए, कौन वही डी, डी जो 25 सेंटीमीटर वाला डी है वही डी से हम क्या किए मल्टीप्लाई किए कहाँ दोनों साइड, तो दोनों साइड अगर डी से मल्टीप्लाई किए तो डी अपॉन यू ई डी अपॉन यू ई माइनस डी अपॉन डी डी अपॉन डी इक्वल टू डी अपॉन एफ ए, तो डी अपॉन एफ ए, ठीक कर दिए। या हम क्या किए माइनस वन को उधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड, क्या होगा डी अपॉन यू ई इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो गया। और ये डी अपॉन यू ई है क्या, यहाँ देखिए डी अपॉन यू ई क्या है एम ई, मैग्नीफाइंग पावर किसका आई लेंस का, तो हम क्या लिख दिए एम ई लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम क्या किए अभी एम ई को जो है एम ई को हम लिख सकते हैं इस तरह, एम ई इसको डबल प्लस डी अपॉन एफ ई ये लिख सकते हैं, और एम ओ हमको इतना दिया हुआ है बी नॉट अपॉन यू नॉट या माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट माइनस ऊपर से लिखा, तो एम नॉट हमको इतना दिया हुआ माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट, और एम ई अपॉन एम ई निकल गया एम ओ निकल गया। अब एम ई और एम ओ का वैल्यू कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला निकला इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें डालने के बाद क्या निकलेगा, इधर हो चुका है, हाँ इधर भी हो चुका है, उसके बाद डाल निकलेगा एम ई, और एम ओ का वैल्यू कहाँ डालेंगे यहाँ पे, अगर एम पी एम डालेंगे तो उसको डालने का वैल्यू क्या होगा, एम पी इक्वल टू वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम का माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट है ना, डाल माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट माइनस ऊपर चलेगा कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, जहाँ डी का वैल्यू क्या होगा दिया रहता है 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछेगा, सिंपल है देख लीजिए, ठीक है, ये अगर माइक्रोस्कोप है तो इसका हमको लेंथ निकालना है, लेंथ मतलब क्या इधर के बीच की डिस्टेंस, सीधा कर देंगे यहाँ के डिस्टेंस क्या है वी वी ओ प्लस यू ई, अगर वी ओ और यू ई को जोड़ देंगे यहाँ डिस्टेंस को निकल जाएगा, ठीक है, वी ओ प्लस यू ई क्या होगा लेंथ ऑफ मेरा माइक्रोस्कोप, वी ओ प्लस यू ई कर देंगे लेंथ ऑफ मेरा माइक्रोस्कोप निकल। हाँ तो हम आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो लास्ट टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक, इसके बाद मेरा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे कल इसका 10-15 अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो बात है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बस ये भी क्या है, बस सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा है ये है, बस उसके उल्टा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इधर छोटा इधर बड़ा लेंस यूज करते हैं, बस इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, बस हमें क्या मिलेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप से हम करते हैं क्या, हाँ दूर की वस्तु को देखते हैं, जैसे स्टार्स को देखते हैं, कोई प्लैनेट्स को देखना है, मून को देखना है, तो किससे हम देखते हैं टेलीस्कोप से देखते हैं। टेलीस्कोप मालूम है ना किस तरह होता है, कुछ इस तरह से जो होता है, कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से जो बना होता है टेलीस्कोप, ठीक है, ये कोई स्टैंड वगैरह पे खड़ा होता है, तो इस तरह से टेलीस्कोप होता है, ठीक है, जिसे हम क्या देखते हैं स्टार और प्लैनेट देखते हैं।
इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, इसको हम चलिए इमेज के साथ अपना ये पढ़ लीजिएगा, किताबी लैंग्वेज से अच्छा है समझना है, तो हम इसको फिगर समझते हैं। ठीक है, करना क्या है, बस वही कि इसमें जो है हमको कहाँ का वस्तु देखना है, हमको दूर का वस्तु देखना है, बहुत दूर का वस्तु देखना है। तो हम क्या करते हैं कि उस बहुत दूर से जो रे आती हुई हमको लगती है, देखिए सन हो या स्टार हो, वो जानते हैं रे क्या करती है, अपने से इमर्ज करती है, निकालती है। पर जब वो हमारे पास आती है तो हमको ऐसा लगता है कि वो क्या रे पैरेलल आ रही है, क्या रही पैरेलल रे आ रही है। तो इसका सेटअप कैसे तैयार करते हैं, प्लेस का हम सेटअप तैयार कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, दो लेंस लेते हैं, एक जिसका फोकस लेंथ अधिक हो, एक जिसका फोकस लेंथ कम हो। ठीक है, अब जिसका फोकस लेंथ अधिक होता है उसको हम आगे में रखते हैं, जिसको हम क्या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जिसका फोकस लेंथ कम होता है, दूसरा जिसका फोकस लेंथ कम होता है उसको हम क्या आई लेंस कहते हैं, उसको हम उधर से हम क्या करते हैं आई को अपने से देखते हैं, किससे अपने आँख से देखते हैं, किसको देखते हैं ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि कहीं दूर से स्टार वगैरह से क्या आ रहा है, रे आ रहा है। ठीक है, रे आ रहा है पैरेलल रे आते हुए हमको लगता है ये रे क्या पैरेलल है, तो उतना दूर से जो रे आता है ना वो पैरेलल ही हमको लगता है। ठीक, हमको लगता है मतलब ये दिखाई प्रतीत होता है, तो पैरेलल रे जो आता है, ठीक है देखने पैरेलल रे आया। अब सब इसको रे डायग्राम से 10 बार इतना बार बोल चुके हैं कि हमको याद हो जाना चाहिए। तो पैरेलल रे जैसे ही आया तो टकराया, सीधा इमर्ज किया, अभी फोकस से होके नहीं जाएगी। हम ये नहीं बोले प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रे नहीं है, ये रे पैरेलल है, तो आई टकराए कन्वर्ज की, उसे ये पैरेलल आया मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, यहाँ टकराते हुए लगा, यहाँ टकराते हुए लगा तो यहाँ क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, हम उसका नाम दे दिए एडस बीटस, मान लीजिए उसको एडस बीटस ए भी मान लेते, इसको एडस बीटस इमेज का फॉर्मेशन मान लेते, कैसा इमेज बना, रियल बनेगा। ठीक है, ठीक है, बस वही कंसेप्ट है जैसे सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हुआ था, क्या सेकेंड लेंस के फोकस के अंदर बना तो उसका इमेज उसके सामने बनेगा और लार्ज बनेगा और आभासी बनेगा। सेम वही यहाँ से यहाँ क्या मान लिया, यू ई मान लिए, क्यों, क्योंकि आई लेंस के लिए तो यू ई मान लिए, और इसको जो इमेज बना इसको अगर वी ई बोलते हैं कोई गलत नहीं होगा, तो वी ई जो होगा डी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमको इमेज वहाँ चाहिए जहाँ हमको स्पष्ट दिखाई दे सके, मतलब क्लियरली दिखाई दे सके। और एक ह्यूमन आई जो होता है वो क्लियरली कितना मिनिमम डिस्टेंस देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। तो क्लियरली देखने के लिए हमको एडस बीडस का इमेज जो है क्लियरली देखने के लिए हमको कहाँ चाहिए, वी ई जो बनेगा इमेज कहाँ, डी पे बनना चाहिए। यह भी क्लियर हो गया, एडस बीडस इसका इमेज बन गया, रे डायग्राम सब पीछे बता चुके हैं, इसका फोकस के अंदर बना, और एफ ओ ये सब नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और एंगल, एंगल बस वही एंगल जो किसके साथ बना रहा है, इमेज के साथ एंगल बना रहा है उसको बीटा बोल दिए, और ऑब्जेक्ट के साथ जो बना रहा है उसको अल्फा बोल दिए। फिर वही मैग्नीफाइंग पावर का सेम फॉर्मूला, बीटा अपन अल्फा दोनों क्या एंगल है, किसका है ये इमेज का, ये ऑब्जेक्ट का। ठीक है, किसके साथ बनाता है, अपने आई के साथ बनाता है। ठीक, वही बीटा इक्वल टेन अल्फा, टेन बीटा टेन अल्फा लिख दिए, बस सेम वही करते हैं स्मॉल एंगल के लिए। ठीक है, वही टेन बीटा यहाँ से निकाले, टेन बीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस का एडस सी टू, तो क्या होगा ए बी एडस सी टू, और उसी तरह हमको निकाल के टेन अल्फा ये निकाल दिए, एडस बीटस अपॉन क्या हो गया सी सी वन एडस, तो सी वन एडस निकाल दिए, फिर हमको क्या निकल गया सी वन ए वन अपॉन सी टू एडस, सी वन एडस, सी वन कहाँ गया सी वन और एडस, एडस कहाँ यहाँ, तो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, बी या फोकस बोलेंगे। ठीक है, सो हमें क्या क्या बोल देते हैं हम उसको एफ ओ अपॉन यू ई बोल देते हैं। अब यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर में निकल गया है ना, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई निकल गया, माइनस एफ ओ अपॉन यू ई निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, वही वन अपॉन बी माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन एफ, किसके लिए, फॉर आई लेंस के लिए, इसके लिए, इसके लिए सेकंड के लिए हम क्या करते हैं यूज कर लेते हैं। तो वही बी कहाँ होगा, बी जो होगा आई लेंस के लिए, अगर बी ई लिखती है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन बी जगह क्या डी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इमेज कहाँ चाहिए, डी पर स्मॉल डी होना चाहिए। अब प्लस वन अपॉन यू ई कितना होगा, यू जो होगा, यू मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस क्या यू ई होगा, माइनस या प्लस, तो माइनस के साथ होगा तो माइनस का डाल दिए, सिम वहाँ से वन अपॉन यू ई निकाल लिए, वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई कर दिए, तो वन अपॉन यू ई इक्वल टू वन अपॉन एफ ई कॉमन ले लिए, दोनों में से क्या करें, दोनों में मतलब वन अपॉन एफ ई कॉमन ले लिए, क्या बचेगा वन प्लस एफ ई अपॉन डी। ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट वगैरह समझ जाएंगे, वन अपॉन एफ ई जब कॉमन लिए तो वन प्लस एफ ई अपॉन डी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए फिर यही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अभी जो ई जो निकला है क्या निकल गया, ये जो वन अपॉन यू ई के फॉर्मूला निकला उसको कहाँ डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं इस फॉर्मूला में डालते हैं, इस फॉर्मूला लिख सकते हैं एम पी मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस एफ ओ इंटू वन अपॉन यू ई,
ठीक है। अब वन अपॉन यू की जगह क्या डाल देंगे, ये डालते हैं वन अपॉन यू जगह डाल देते हैं, उसके बाद डाल के देखिएगा आपको ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है इसमें पूछता है लेंथ ऑफ कंपाउंड में, तो इसको बस कुछ नहीं, इसका लेंथ पूछ रहा है, क्या करेंगे एफ ओ प्लस यू ई, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फोकस लेंथ बोलते हैं प्लस यहाँ डिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको यू ई, तो उनको जोड़ देना है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो रहा है मेरा रे ऑप्टिक्स खत्म, क्या हो रहा है मेरा रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। ठीक है अब जिसने भी अच्छा से किया है जानते हैं बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा मुसीबत खत्म हुआ है रे ऑप्टिक्स से, और जितना भी है इसको डिवीजन करना है अच्छे से, और हम कल इस पर क्वेश्चन लेके आएंगे कुछ और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे, 10-15 क्वेश्चन तक लाएंगे, उसको खत्म करेंगे अच्छे से, तो जो अच्छा कंसेप्ट है वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो अब जितना भी अब रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया, अब आपका काम है रिविजन करना, तो आप इसको रिविजन जमकर करिए और अभी सोने का समय नहीं है, अगर आप 8-9 घंटे सो रहे हैं तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है अभी मेहनत का समय है, कम समय बचा है, तो अभी कम समय बचा है तो आप क्या होगा 5 ही घंटा सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं करेगा शरीर, अब ऐसे नहीं कि आप बीमार ऐसा नहीं होता है। ठीक है 5 घंटा सोइए हेल्दी नींद है, ठीक है, और अगर दोपहर में समय मिले तो अपना आधा घंटा का एक पावर नैप लीजिए, पावर नैप मतलब ये नहीं सो जाना है 2 घंटा, पावर नैप मतलब 1/2 घंटा 45 मिनट का आप सो सकते हैं। ठीक है और जितना समय मिलता है आप पढ़ाई भी दीजिए। ठीक है ठीक है, यहाँ हमारे ऑफिस खत्म हुआ, कल इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और बस सिर्फ कल इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नया स्टार्ट करेंगे क्या वेब ऑप्टिक्स को देख लेंगे जल्दी जल्दी, और जो इम्पोर्टेंट होगा वो देख लेंगे वेब ऑप्टिक्स में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ठीक है, तो यही ख़त्म करते हैं, तब तक पढ़िए अच्छे से।